हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, मैं फिजिकल एजुकेशन के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करा रही हूँ दोस्तों। एंड चैप्टर है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड इससे रिलेटेड टॉपिक है पाचन तंत्र यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। सभी क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो भी बिल्कुल फ्री में दोस्तों। तो चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन है कि पेप्सिन किस अवस्था में कार्य करता है। तो दोस्तों, पेप्सिन जो है वह प्रोटीन को pH 2 पर प्रोटियोसिस पर पेप्टोन में तोड़ता है। और यह कहाँ स्थापित होता है? अमाशय में। अमाशय में 3 एंजाइम स्थापित होती है, पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज। पेप्सिन HCl की उपस्थिति में प्रोटीन से संबंधित भोज्य पदार्थों का क्रिया करके उसे पेप्टोन में बदलता है, और रेनिन दूध को कैसीन में बदलता है, और गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है वह वसा का पाचन करता है। नेक्स्ट, कशेरुकी जंतुओं के अमाशय की भीतरी एपिथिलियम HCl से नष्ट नहीं होता, क्योंकि दोस्तों जो कशेरुकी प्राणी होते हैं वो अमाशय की जो भीतरी एपिथिलियम दीवार है वो HCl से नष्ट नहीं होता। क्यों नष्ट नहीं होता, इसको कई बार मैं बता चुकी हूं कि उसमें एक म्यूकस नामक पदार्थ होता है। क्या होता है? म्यूकस नामक पदार्थ होता है जो उसको उसकी रक्षा करती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, म्यूकस का स्त्राव एपिथिलियम को ढक देता है। नेक्स्ट, ट्रिप्सिनोजन एंजाइम स्त्रावित होता है। तो ट्रिप्सिनोजन कहां पे स्त्रावित होता है दोस्तों? एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, ये सब कहां पे स्त्रावित होते हैं? ये सब होते हैं पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय में। पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय में दोस्तों, अग्नाशय में एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन एंड एमाइलेज लाइपेज ट्रिप्सिन प्रोटीज फॉस्फोलाइपेज एस्टरेज आदि एंजाइम स्त्रावित होते हैं, जिसमें से जो लाइपेज होता है वह कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है। एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है, और लाइपेज बाइल यानी पित्त रस के साथ मिलकर फैट को फैटी एसिड व ग्लिसरॉल में बदलता है, और ट्रिप्सिन जो है गैस्ट्रिक जूस यानी जठर रस के साथ मिलकर प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलता है। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, हमारे भोजन में मुख्य रूप से होते हैं क्या होते हैं? तो हमारे भोजन में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट होता है जो हमको इंस्टेंट एनर्जी देता है, तुरंत ऊर्जा। नेक्स्ट दोस्तों, एस्कार्बिक अम्ल का मुख्य स्रोत क्या है? एस्कार्बिक अम्ल किसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों? तो विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है एस्कार्बिक अम्ल यानी एस्कार्बिक एसिड। तो यह विटामिन सी में पाया जाएगा, ऑप्शन है केला, आलू, आम, संतरा। तो इसमें केला, आलू, आम आपका विटामिन सी नहीं है, संतरा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यक्ति के लार यानी सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? व्यक्ति के लार यानी सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है दोस्तों? टाइलिन, जो कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च में बदलता है यानी स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। नेक्स्ट दोस्तों, कौन सा एंजाइम जल में घुलनशील है? एंजाइम नहीं दोस्तों, विटामिन। तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है दोस्तों? विटामिन बी और सी। वसा में कौन सा घुलनशील है? ADEK। नेक्स्ट दोस्तों, ट्रिप्सिन पेप्सिन से भिन्न है क्योंकि यह क्या करता है? यह क्या करता है? यह प्रोटीन ड्यूरिनम के अम्लीय माध्यम में पचाता है, इसलिए। नेक्स्ट है, अग्नाशय रस यानी कि पैंक्रियाज जूस किसके पाचन में सहायक होता है? तो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा यानी कि पैंक्रियाटिक रस को पूर्ण पाचक एंजाइम बोला जाता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे पैंक्रियाज के रस से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तीनों का पाचन होता है। ठीक है, जिसमें से आपका एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, लाइपेज वसा का, और ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन का।
नेक्स्ट हम दोस्तों, मनुष्य में आसानी, मनुष्य में आमाशय रस होता है। तो आमाशय में कौन कौन से रस होते हैं दोस्तों? पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, ये तीन एंजाइम होते हैं जिसमें से पेप्सिन जो होता है वह प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, और रेनिन दूध को कैसीन में बदलता है, लाइपेज वसा का पाचन करता है, अमीनो एसिड वह क्या करता है, लाइपेज वसा का पाचन करता है, ठीक है, यानी कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलता है। नेक्स्ट दोस्तों, अमाशी रस में होता है एचसीएल, पेप्सिन, रेनिन, ये सभी। तो दोस्तों यहाँ पे ये सभी हो जाएगा, यहाँ पे अमाशय रस में एचसीएल भी होता है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन भी होता है, रेनिन भी होता है। नेक्स्ट दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पाचन कहाँ पूरा हो जाता है? तो यह क्षुद्रांत में यानी कि अग्नाशय यानी पैंक्रियाज में पूरा होता है। नेक्स्ट दोस्तों, कौन सा एंजाइम दूध की प्रोटीन को कैल्शियम पैरा कैसिनेट में परावर्तित करता है? तो कौन सा दोस्तों? रेनिन। कौन सा है? रेनिन, जिसको मिल्क प्रोटीन भी बोला जाता है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद हैं। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में जाकर के किस में टूटता है? ग्लूकोज में। यहाँ पे पूछा है कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद है मोनोसेकेराइड। क्या है? मोनोसेकेराइड। नेक्स्ट दोस्तों, शाकाहारी जंतु सेलुलोज का पाचन कर सकते हैं क्योंकि, क्यों दोस्तों? क्योंकि जैसे कि देखेंगे आपका जो बड़ी आंत का भाग होता है जिसमें से तीन भाग होते हैं, सीकम, कोलन, मलाशय, जिसमें सीकम जो जहां से छोटी आंत जुड़ी हुई होती है वहां पे एक पूंछ जैसा आकृति होता है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं, वह भी फॉर्म। तो वो पहले जंतुओं में होता था, शाकाहारी जीवों में जो सेलुलोज का पाचन करता था। तो यह क्या करता है? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, सीकम में पाए जाने वाले बैक्टीरिया इसमें सहायक होते हैं सेलुलोज के पाचन में। रेनिन का स्त्राव कहाँ होते होता है? तो रेनिन का स्त्राव जो होता है अमाशय में होता है। कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचक यानी प्रोटीन डाइजेस्टिव है? तो कौन सा एंजाइम है प्रोटीन का पाचन करने वाला दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन आपको चुनना है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, इरेप्सिन, ठीक है, जिसमें से ट्रिप्सिन अग्नाशय से निकलता है और प्रोटीन को अमीनो अम्लों में बदलता है, और पेप्सिन अमाशय से निकलता है जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, और इरेप्सिन छोटी आंत से निकलता है जो प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलता है। नेक्स्ट है दोस्तों, अग्नाशय रस यानी पैंक्रियाटिक जूस होता है, अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? तो पैंक्रियाटिक जूस कैसा होता है? क्षारीय होता है, जबकि अमाशय का जूस जो होता है वो अम्लीय होता है। नेक्स्ट है वसा का इमल्सिफिकेशन पित्त द्वारा होता है, तो कहाँ पे होता है दोस्तों? वसा का इमल्सिफिकेशन पित्त द्वारा, ड्यूडिनम में यानी छोटी आंत के पहले भाग में। क्या होता है कि वसा को, पित्त रस वसा को जल में घुलनशील बनाती है, इस क्रिया को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है सुक्कस एंटेरिकस किस ग्रंथि का स्त्राव है? यह बर्थोलिन ग्रंथि का स्त्राव है। किसका? बर्थोलिन। नो दोस्तों, यह है आपका लीबर कूहन की दरारें। सुक्कस एंटेरिकस किस ग्रंथि का स्त्राव है? तो लीबर कूहन की दरारें का स्त्राव है। नेक्स्ट है काइमेट्रिप्सिन क्या है? तो काइमेट्रिप्सिन क्या है दोस्तों? यह प्रोटीन पाचक एंजाइम है। क्या है? प्रोटीन पाचक एंजाइम। नेक्स्ट दोस्तों, ग्लाइकोजन का संचय कहाँ होता है? इसका संचय होता है यकृत में। नेक्स्ट है विटामिन ए का कैरोटीन से संश्लेषण होता है, तो विटामिन ए का कैरोटीन से संश्लेषण कहाँ पे होता है दोस्तों? यकृत में। कहाँ पे होता है? यकृत में। नेक्स्ट है भूखे व्यक्ति सर्वप्रथम क्या पदार्थ उपयोग में लाता है? तो क्या पदार्थ लाता है? संचित कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है टॉलिन अमाशय में भोजन का पाचन नहीं करता क्योंकि, क्यों नहीं करता अमाशय में? अमाशय से स्त्रावित ही नहीं होता तो अमाशय में करेगा क्यों? क्योंकि यह लार ग्रंथियों से स्त्रावित होती है। लार ग्रंथियां किसमें होती हैं? मुख में।
मुख में लार ग्रंथियां होती है जिसे टैली नामक एंजाइम निकलता है जो स्टार्च को पाल्टोज में बदलता है। जैसे दोस्तों मांस दूध अंडे से हमें क्या प्राप्त होता है, ये तीनों चीजों से हमको प्रोटीन प्राप्त होता है। जैसे दोस्तों तात्विक अमीनो अम्ल यानी कि इसेंशियल अमीनो एसिड यानी कि जो हमारे लिए आवश्यक अमीनो अम्ल है वो कहां से प्राप्त होता है, हमारे फूड से यानी भोजन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट दोस्तों प्राकृतिक वसा का निर्माण होता है, प्राकृतिक वसा का निर्माण ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल यानी कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से होता है। नेक्स्ट है एमाइलेज एंजाइम किस पर क्रिया करता है, यह कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है। नेक्स्ट दोस्तों सुक्रोज कहाँ मिलती है, तो सुक्रोज जो होता है वह कहाँ से मिलती है, तो चीनी से मिलता है। सुक्रोज कहाँ से मिलता है, चीनी से मिलता है। नेक्स्ट है कैसीन क्या है, कैसीन जो है कैसीन को दुग्ध प्रोटीन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन क्षार में कौन सा तत्व नहीं होता, तो नाइट्रोजन क्षार में कौन सा तत्व नहीं होता है, फास्फोरस नहीं होता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन कार्बन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है न्यूक्लिक अम्ल की इकाई कहलाती है, तो न्यूक्लिक अम्ल की इकाई कहलाती है न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट पित्त का कौन सा कार्य मुख्य है, तो पित्त का कौन सा कार्य मुख्य है बेटा, तो पाचन में वसा का इमल्सिफिकेशन करता है। पित्त क्या करता है, पाचन क्रिया में वसा का इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन कहते किसे हैं, जो पित्त रस होता है वसा को जल में घुलनशील बनाती है, इस क्रिया को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट शरीर में प्रोटीन किस रूप में ले जाई जाती है, तो किस रूप में ले जाई जाती है, अमीनो अम्ल के रूप में। नेक्स्ट है प्रोटीन का अमीनो अम्लों में विखंडन कहाँ होता है दोस्तों, तो अमाशय में होता है। अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिन रेनिन गैस्ट्रिक लाइपेज, जिसमें से पेप्सिन जो होता है वह प्रोटीन को अमीनो अम्लों में विखंडित करता है। नेक्स्ट दोस्तों मनुष्य भूखा कब होता है, कब होता है, जब जो भोजन वह खाता है ऊर्जा के व्यय की पूर्ति नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो दोस्तों आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, जो भी डाउट होगा दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया कीजिए और बेहतरीन तैयारी के लिए डेली बेसिस पे जुड़े रहिए। एंड फर्स्ट और विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।